सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टैंडअप क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आपके एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के एग्जाम को खत्म हुए 3 से 4 दिन हो चुके हैं। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो है एग्ज़ाम का रिजल्ट किस दिन आ रहा है और इस बार के हमारे जो है एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या रहने वाला है। और साथ में मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा कि जो हमारी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का, वो कब आएगा और साथ में उसका फॉर्म जो है कब से भरा जाएगा। सो चलिए आज के वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में इस वीडियो के अंत तक ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए स्टैंडअप क्लासेस को ताकि ऐसे ही वीडियोज मैं आपको डेली दे सकूँ, ताकि अगर किसी भी प्रकार का कोई इन्फॉर्मेशन हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। सो चलिए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे अपने जो है एग्ज़ाम कट ऑफ को लेकर के कि इस बार का एग्ज़ाम कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, मैंने अभी कल जो है यूट्यूब के चैनल में जो है कम्युनिटी पोस्ट में मैंने एक पुल किया था और आप लोगों से पूछा था कि इस बार का एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का जो है कट ऑफ क्या रह सकता है। मैंने भी अनुमान लगाया है, मैं आपको बिल्कुल जो है सटीक अनुमान बताऊँगा जो मेरा जो है एक्सपीरियंस है, जितना भी जो है मैंने एग्ज़ाम देखा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का, 4 से 5 एग्ज़ाम मैंने देखा जब से मैं तैयारी करा रहा हूँ। तो वह एक्सपीरियंस मैं आपको पूरा शेयर करूँगा कि इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है। लेकिन आप लोग के अकॉर्डिंग आप लोगों ने देख लीजिए क्या बताया कि सबसे पहले तो मैंने दिया था कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का कट ऑफ 37 to 32 के बीच में रहने वाला है और जो है वाई ग्रुप का कट ऑफ 36 to 39 के बीच में। तो यहाँ पे सिर्फ जो है 29% लोगों ने वोटिंग किया था 1600 लोगों में से, ठीक है, 1600 लोगों में से। और बात कर लेते हैं दूसरा जो मैंने दिया था ऑप्शन, उसमें था एयरफोर्स एक्स का कट ऑफ रहेगा 33 to 36 मार्क्स, और बात कर लें एयरफोर्स वाई ग्रुप का तो 30 to 35 मार्क्स रहने वाला है, ऐसा मैंने बताया था। तो यहाँ पे टोटल जो है 71% लोगों ने इस पर वोटिंग किया है। अब जो है मैं आपको बताता हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, जो मैंने जो है पिछले एग्ज़ाम्स में देखा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि इस बार का एग्ज़ाम कट ऑफ आपका क्या रहने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो उससे पहले स्टूडेंट, सबसे पहले ये लास्ट एग्ज़ाम का कुछ जो है कट ऑफ है, आप लोग जरा इसे देख लीजिए। तो जो 2017 का आपका एग्ज़ाम हुआ था लास्ट में, जो जब से अनाउंस किया गया था कि अब जो है साल में 2 बार एग्ज़ाम किया जाएगा, तो ये 2017 का लास्ट एग्ज़ाम था। उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एयरफोर्स एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया था 38 मार्क्स और वाई ग्रुप का कट ऑफ गया था 36 मार्क्स। और इस एग्ज़ाम में जो है उस समय निगेटिव मार्किंग नहीं था। तो कितना कट ऑफ गया था, एक्स ग्रुप का 38 मार्क्स और वाई ग्रुप का 36। उसके बाद जो है तब निगेटिव मार्किंग आपका जो है चालू कर दिया गया जब 2018 का जब पहला एग्ज़ाम कराया गया एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का। और उसमें जो पहला एग्ज़ाम हुआ था 2018 का एक्स वाई ग्रुप का निगेटिव मार्किंग के साथ में, तो उसमें जो कट ऑफ गया था एक्स ग्रुप का वो 27.50 मार्क्स था और बात कर लें वाई ग्रुप का वो 32.50 मार्क्स था, ठीक है। अब जो है बात कर लें वही निगेटिव मार्किंग के साथ में जो दूसरा एग्ज़ाम हुआ था 2018 का, ठीक है, उसमें जो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का कट ऑफ गया था स्टूडेंट्स वो गया था 36.25 मार्क्स और बात कर लें वाई ग्रुप का तो वो गया था आपका 37.25 मार्क्स। लेकिन अगर हम लोग बात करें अब जो है 2019 का जो ये पहला एग्ज़ाम हो रहा है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का, यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा एयरफोर्स वाई ग्रुप को लेकर के। तो चलिए मैं आपको नीचे की तरफ लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ देखिए, जो आपका एयरफोर्स वाई ग्रुप का पेपर था उसमें आपका इंग्लिश तो इजी था, फर्स्ट पार्ट जो आपका था इंग्लिश 20 नंबर का वो तो इजी था, लेकिन जो रागा पार्ट था आपका उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चंस थे स्पेशली उसको जो है लेंदी कर दिया था। ऐसा नहीं था कि क्वेश्चन मतलब इजी नहीं था, क्वेश्चन इजी था पर लेंदी कर दिया था, टाइम कंज्यूमिंग हो गया था। और जीके के क्वेश्चंस भी जो है जो लेवल था उनका वो नॉर्मल से थोड़ा ऊपर ही लेवल था उनका। तो जहाँ तक मेरा जो अनुमान है इस बार आपके वाई ग्रुप का जो कट ऑफ रहने वाला है एयरफोर्स वाई ग्रुप का वो 33 to 35 मार्क्स के बीच में रहेगा 100%। और जहाँ तक बात कर लें अब जो है एयरफोर्स एक्स ग्रुप का, तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ है वो भी थोड़ा जो है टफ था आपका, मैंने देखा पेपर उसमें मैथमेटिक्स भी जो है टफ था और साथ में बात कर लें जो है आपका साइंस जो आया था वो भी जो है थोड़ा लेवल टफ था। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है इस बार एयरफोर्स एक्स ग्रुप का जो कट ऑफ रहने वाला है वो 30 to 32 मार्क्स के बीच में रहेगा 100%। इतना जो देखिए पिछली बार भी मैंने आपको कट ऑफ बताया था, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं हमेशा उनको पता होगा कि पिछली बार भी मैंने कट ऑफ बताया था कि एयरफोर्स वाई ग्रुप का कट ऑफ नियर अबाउट 37 मार्क्स जाएगा
और बात कर लें एक्स ग्रुप का, तो 36 मार्क्स के नियर अबाउट जाएगा, तो उतना ही गया था। और इस बार भी मैं अगर जो अनुमान दे रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग ही मान के चलिए कि इतना जो है कट ऑफ जरूर रहेगा एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का। तो एक्स ग्रुप का आप मान के चलिएगा कि 30-32 मार्क्स के बीच अगर आपने जो है गेन किया है तो आप फर्स्ट कट ऑफ में जरूर आ सकते हैं, ठीक है। और बात कर लें वाई ग्रुप का, तो वाई ग्रुप जो है 33-35 मार्क्स इस बार रहने वाला है। अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स की, हमारा जो है रिजल्ट कब आ रहा है एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का। तो आपका रिजल्ट जो है नॉर्मली क्या है कि 15-20 दिन के अंदर जो है रिलीज कर देता है एयरफोर्स। तो आपका रिजल्ट जो है, आपका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है 24 सितंबर को, तो आपका रिजल्ट जो है 12 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट जो है रिलीज कर दिया जाएगा। कब से? 12 अक्टूबर से पहले आपका रिजल्ट जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है। और बात कर लें जो है नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी आपके एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का, तो आपके एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का जो है नेक्स्ट वैकेंसी आएगा दिसंबर में, दिसंबर लास्ट में उसका फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अभी इनटेक के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनटेक के बारे में जब इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो बता दिया जाएगा आपको। और साथ में एक वीडियो मैं और बना दूंगा, उसमें आपको जो है DOB बता दूंगा कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है। सो कैसा लगा आज की वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो एक छोटा सा प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा और साथ में स्टैंड अप क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।